हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवेंथ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास पार्ट 5 आपका चल रहा है। अम्लक्षारक एवं लवण। अम्लक्षारक एवं लवण में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बेटा समझा दी थी कि सबसे पहले आपको बताया था अम्ल क्या होते हैं, है ना, अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, फिर अम्ल किस तरीके से अम्ल और क्षार को मिला देते हैं, जैसे आपने पढ़ा था पिछली लास्ट क्लास में उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था। उदासीनीकरण में आपने देखा था कि जब अम्ल और क्षार, उदासीनीकरण प्रक्रिया में आपने देखा था जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है लवण और जल की, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण। यानी अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और ये प्रक्रिया लवण को आप बोलते हैं उदासीन, और उदासीन होने की प्रक्रिया को आप बोलते हैं उदासीनीकरण। तो ये आपने पढ़ा था। आज आप बेटा पढ़ेंगे, आपका आज का जो टॉपिक है वो है कि आप जो है कैसे देखते हैं कि आपका उदासीनीकरण विकल्प भी आप देखते हैं प्रकृति के अंदर। तो इसके अंदर आप कैसे देखते हैं विकल्प, वो आपको देखना है। जैसे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण में है आपका पाचन, पाचन क्रिया के अंतर्गत चींटी का डंक है, मृदा उपचार है, कारखानों का अपशिष्ट है। तो इसमें आप वो समझा सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको चार पॉइंट की चर्चा दी हुई है, तो चार पॉइंट में आपके क्या क्या हैं। तो आपका टॉपिक है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण या उदासीनीकरण विकल्प क्या होते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण के उदाहरण। अब उदासीनीकरण के उदाहरण अगर आप दैनिक जीवन में देखें तो आपके दिए हुए दैनिक जीवन में उदाहरण में चार पॉइंट, ठीक है, ये चार पॉइंट आपके कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। चार पॉइंट जो आपके दिए गए हैं उसमें पहला है आपका पाचन, पहला पाचन, और फिर चींटी का डंक, मृदा उपचार। तो पहला है आपका पाचन, दूसरा है चींटी का डंक, और तीसरा आपका है मृदा में, और चौथा है मृदा में, और चौथा आपका है कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ। तो आप इन पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपके लेसन का बेटा लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये लास्ट टॉपिक आपका है जिसके अंदर आपको उदासीनीकरण के उदाहरण पढ़ने हैं। उदासीनीकरण के उदाहरण में मैंने आपको बताया दैनिक जीवन से रिलेटेड आपको पढ़ना है, यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उदासीन क्रिया होती है उदासीनीकरण। इसमें दैनिक जीवन में भी आप, इन सब में आपको उदासीनीकरण के उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको समझाऊँ पाचन, पाचन क्रिया में क्या होता है, पाचन क्रिया में आप ये बता सकते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके उदर में अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ जाती है इसका मतलब आप जानते हैं HCl एक अम्ल होता है, और अम्ल जो है आपके भोजन का पाचन करने में सहायक होता है। ये हमारे उदर में जो है सिक्रीशन होता रहता है, उदर में श्रावित होता रहता है HCl। तो HCl जो आपका, यानी उदर में जो आपका HCl निकलता रहता है, श्रावित होता रहता है, ये HCl आपके पाचन में सहायक होता है। और अगर
पाचन में सहायक होता है, इसका अगर मात्रा बढ़ जाए, तो आप ये जानते हैं इसमें अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी का मतलब यही होता है बेटा कि अम्लता बढ़ना। तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि उदर में आपका HCl की मात्रा जब अत्यधिक हो जाए, यानी उदर में HCl श्रावित जो होता रहता है उसकी मात्रा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई। एसिडिटी की हिंदी होती है अम्लता। और इसको दूर करने के लिए क्षारक पदार्थ का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये एक क्षारक पदार्थ है, यानी ये एक क्षारक है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि अम्ल को दूर करने के लिए हमने कौन से क्षारक का यूज़ किया। तो आप कह सकते हैं कि हमने क्षारक पदार्थ का यूज़ किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे अम्लता दूर हो गई। तो इस तरीके से पाचन वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। मतलब आपको एक बार फिर से बता दूं बेटा, मैं पाचन में आप ये लिखेंगे कि उदर में आपके HCl श्रावित होता रहता है, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए पाचन क्रिया के दौरान तो आपको एसिडिटी या अम्लता हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या क्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अब आता है चींटी का डंक। चींटी के डंक में आपको पता है चींटी के डंक से अम्ल श्रावित होता है। इस चींटी के डंक में जो अम्ल निकलता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल के श्रावण से फिर आपको उस जगह पे सूजन, दर्द, जलन प्रारंभ हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बोला जाता है कि आप बेकिंग सोडा जैसे क्षारक पदार्थ का प्रयोग करें। तो किस पदार्थ का बेटा? बेकिंग सोडा, ये एक क्षारक है, ये क्षारक पदार्थ है। तो इसका मतलब जब कभी अम्ल बढ़ता है तो आप देख रहे हैं क्षारक की ज़रूरत पड़ती है, अम्लता को दूर करने के लिए क्षारक का ही प्रयोग करना पड़ता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चींटी का डंक, जब कहीं चींटी काट जाती है तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है डंक में, और उस फॉर्मिक अम्ल के कारण उस जगह पर जहाँ पर चींटी काटी है तो आपको जलन, सूजन, दर्द होता है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगाना चाहेंगे जिससे आपको आराम हो। और साइंस कहता है कि बेकिंग सोडा एक क्षारक पदार्थ है जिसको उस स्थान पर रगड़ने से आपकी वो सूजन, दर्द और जलन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी उदासीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं। अब आप देखते हैं इसी तरह से मृदा में। मृदा की बात करें तो मृदा में बेटा किसान जो है खेत की मिट्टी की बात करता है, तो किसान खेत की मिट्टी को देखता है, यदि मिट्टी में अम्लता यदि अधिक हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये एक क्षारक पदार्थ है जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मिट्टी में अम्लता अधिक हो जाए तो आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्षारक पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं। तो पाचन क्रिया में आपने, जिस तरह से आपने पाचन में देखा कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया किए, फिर आपने देखा चींटी के डंक में अम्ल और क्षार क्रिया किए, फिर आप देख रहे हैं मृदा में, मृदा यानी मिट्टी, किसान अगर मिट्टी में देखता है अम्लता अधिक प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक पदार्थ का प्रयोग करता है, जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं। इसका छिड़काव करने से मिट्टी की अम्लता दूर हो जाती है। तो आपको क्या क्या लिखना है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने कुछ कुछ वर्ड आपको बता दिए हैं जिनके सेंटेंस बना के आपको लिखने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने क्या क्या बताया तो उनको लेते हुए आपको वहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। इसी तरह से कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, इसमें आप बता सकते हैं, इसका तो आपको पता ही है
कि यदि पानी में अवशिष्ट पदार्थ मिल जाए तो क्या करेंगे, तो उसको दूर करने के लिए क्षारक पदार्थ का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ में होते हैं अम्ल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों में, जैसे कोई भी कारखानों का वेस्टेड जो मटेरियल होता है, अधिकतर कारखानों से जो निकलता है अवशिष्ट पदार्थ, उनमें अम्ल होते हैं। और उन अम्ल जो है निकलकर, मान लो कारखानों का जो कचरा है वो अवशिष्ट पदार्थ आपका किसी नाली से जुड़ा हुआ है और नाली से होते हुए वो नदी में या नाले में मिल रहा है, तो वहाँ पर अम्लता बढ़ रही है और उस अम्लता के बढ़ने से वहाँ पानी दूषित हो रहा है। तो पानी दूषित हो रहा है, उस पानी का उपयोग कीड़े मकौड़े, जीव जंतु, मनुष्य तक भी कर लेते हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम क्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्षारक पदार्थ का प्रयोग करने से हम कभी कभी देखते हैं पानी में छिड़काव किया जाता है, पानी में डाला जाता है क्षारक पदार्थों को, ताकि जो है अशुद्धियाँ बैठ जाएँ, अशुद्धियाँ जर्म्स जो कीटाणु होते हैं मर जाएँ, जिससे कि पानी में अशुद्धि, पानी का जो सेवन है वो जीव जंतु करें तो उनके शरीर को नुकसान ना हो। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को समझा सकते हैं। तो आपने ये देखा कि आप दैनिक जीवन में अपने उदासीनीकरण के किस प्रकार से उदाहरण को समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि आपके ये आपका 5वां चैप्टर का लास्ट पॉइंट चल रहा है, ये लास्ट पॉइंट आपका डिस्कस में आ रहा है। तो अम्ल क्षारक लवण में लास्ट पॉइंट आज का है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, जिसके अंदर 4 पॉइंट का डिस्कशन है। चारों में अम्ल और क्षार का ही क्रिया मिल रही है, जैसे पाचन, पाचन में आपने देखा कि अम्ल फिर क्षार मात्रा बढ़ी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक का प्रयोग किया, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल और बेकिंग सोडा जैसे क्षारक का प्रयोग किया अम्ल पर, मृदा में मिट्टी में अगर अम्लता अधिक हो जाए तो आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी का छिड़काव किया। उसी तरह से पानी में अगर अवशिष्ट पदार्थ कारखानों में, जब अवशिष्ट पदार्थ के अंदर जो अम्लता होती है वो पानी में मिल जाती है, तो हम क्षारक पदार्थ को प्रयोग करते हैं जिससे वो कीटाणु नष्ट हो जाएं, जर्म्स नष्ट हो जाएं और पानी हमारा शुद्ध हो जाए। यानी पानी, उस पानी का प्रयोग करने से जीव जंतु या मनुष्य पर कोई भी प्रभाव, कुप्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से बेटा आपका पार्ट 5 आज कंप्लीट हुआ 7th क्लास। अब इसके बाद हम 6ठा पार्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय।